दोस्तों, एक जंगल के अंदर अपना जीवन धारण करने के लिए उस जंगल में रहने वाले किसी भी जानवर को अपने लिए जरूरी खाना ढूंढना ही पड़ता है। और दोस्तों, इस खाने को ढूंढने के चक्कर में ही एक जंगल के अंदर दो अलग अलग जानवरों के बीच में विवाद के नजारे देखे जा सकते हैं। बात अगर एक जंगल के अंदर में रहने वाले जानवरों के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको ये बात एकदम साफ साफ बता देना चाहेंगे कि एक जंगल के अंदर एक जानवर को हमेशा ही किसी दूसरे जानवर का शिकार करके अपना पेट भरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो आखिर यह है कि ये काम इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक जंगल के अंदर अपने शिकार को एकदम सटीक तरीके से अंजाम देने के लिए भी एक जानवर को बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। कभी कभार सही योजना होने के बावजूद भी एक जानवर अपने शिकार को खो देता है, क्योंकि उसका शिकार एकदम सटीक समय पर उसे मात देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक जंगल के अंदर कुछ ऐसे भी खास किस्म के जानवर पाए जाते हैं जो हमेशा ही अन्य दूसरे जानवरों का शिकार चुरा कर अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। और ये बात जानकर तो आप लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे कि एक जंगल के अंदर ये शिकार चुराने का नजारा बहुत ही आम होता है। लेकिन दोस्तों, ये शिकार चुराने की कला भी खतरे से खाली नहीं होती है, क्योंकि एक शिकार को चुराने के तहत भी कभी कभार एक जानवर की जान चली जाती है। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खास नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोचक और रोमांचक होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर इम्पाला के एक झुंड बहुत ही मजे के साथ टहल रहा है। यहाँ पर शायद ये सभी इम्पाला इस वक्त बहुत ही ज्यादा भूखे हैं और इन सबको खाने की जरूरत है, और अपने इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ही ये सभी इम्पाला इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये सभी इम्पाला अब जंगल के इस छोर पर इधर उधर भटक रहे हैं। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे ये सभी इम्पाला अब बहुत ही मजे के साथ अपने खाने को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल तो आखिर यह है कि क्या इन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी है कि बहुत ही जल्द इनका सामना एक बहुत ही बड़े मुसीबत के साथ होने जा रहा है। अभी शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसका जवाब बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि एक बड़े से पाइथन की नजर अब उस इम्पाला के झुंड के ऊपर पड़ गई है, और यहाँ पर अब ये पाइथन उस इम्पाला के झुंड के ऊपर हमला करने की फिराक में है। जरा देखिए कि ये पाइथन कैसे उस झुंड के सभी इम्पाला के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर असल में ये पाइथन अपना शिकार ढूंढने के लिए एक अच्छी योजना बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए अब ये पाइथन उस झुंड के सभी इम्पाला के ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये पाइथन अब एकदम धीमे से एकदम चुपचाप अंदाज में उस इम्पाला के झुंड की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर ये पाइथन सबसे पहले तो अपने आप को झाड़ियों के बीच में एकदम से छुपा लेता है, और फिर ये पाइथन उस झुंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहाँ पर इस इम्पाला के झुंड में से किसी भी इम्पाला को इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है कि एक बहुत ही बड़ा खतरा अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल तो आखिर ये है कि क्या ये पाइथन अपने इन खतरनाक मंसूबों में कामयाब हो पाएगा। आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो पाइथन अब उस इम्पाला के झुंड के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया है, और अब ये पाइथन झाड़ियों के अंदर छुपकर
चुपचाप एक सही मौके का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर ये सभी इम्पाला इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो पाइथन उनका शिकार करने के लिए बहुत देर से घात लगाकर बैठा हुआ है। और इतने में ही अब हम ये देख सकते हैं कि इस इम्पाला के झुंड में से एक इम्पाला उस पाइथन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है। यहाँ पर शायद इस पाइथन को भी अब तक सिर्फ इसी मौके की तलाश थी। और दोस्तों अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो पाइथन अचानक से ही उस इम्पाला के ऊपर हमला करके उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है। यहाँ पर इस इम्पाला के लिए अब उस पाइथन के चंगुल से निकल पाना लगभग नामुमकिन के बराबर हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो पाइथन अब इस इम्पाला के ऊपर लगातार दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उस इम्पाला के झुंड के बाकी इम्पाला अब तक उस जगह को छोड़कर भाग गए हैं और ये बेचारा एक अकेला इम्पाला उस पाइथन के चुंगुल में फंस गया है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि वो पाइथन अब उस इम्पाला को घसीटते हुए किसी सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहा है। और दोस्तों जरा देखिए कि कैसे अब ये पाइथन उस इम्पाला को अपने ताकतवर शरीर के साथ जकड़ने लगता है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये पाइथन अब उस इम्पाला के ऊपर अपने वजनदार शरीर के जरिए कड़ी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये पाइथन उस इम्पाला के ऊपर तब तक दबाव बनाने की कोशिश करेगा जब तक कि वो इम्पाला अपना दम ना तोड़ दे। और दोस्तों जब वो इम्पाला उस पाइथन के उस दबाव से हार मानकर अपना दम तोड़ देगा तो तब ये पाइथन उस इम्पाला को पूरी तरह से निगल जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या ये कहानी यूं यहीं पर ऐसे ही समाप्त होने वाली है या फिर इस कहानी के अंदर अब कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहां पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जैसे उस अजगर ने उस इम्पाला को अपने शरीर के साथ जकड़ कर रखा है ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अब एक लकड़बग्घे की नजर भी अब उस अजगर और उस इम्पाला के ऊपर पड़ गई है। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं कि ये लकड़बग्घे हमेशा ही जंगल के दूसरे जानवरों का खाना चुराने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर इस अजगर को इस इम्पाला का शिकार करते हुए देखकर अब इस लकड़बग्घे के मन में भी एक लालच जाग उठी है। और दोस्तों अब ये लकड़बग्घा उस अजगर से उस इम्पाला को चुरा कर अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो लकड़बग्घा अब उस इम्पाला को उस अजगर से छीनने के लिए अपने खुंखार और नोकीले दांतों के मदद से उस अजगर को चारों तरफ से नोचने लगता है। लेकिन दोस्तों एक अजगर का शरीर इतना ताकतवर होता है कि उसे इतनी आसानी से नुकसान पहुंचा पाना एक लकड़बग्घे के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये लकड़बग्घा जी तोड़ कोशिश करती जा रही है। यहाँ पर ये लकड़बग्घा शायद गर्भवती है और दोस्तों सिर्फ इसी वजह से ही इस वक्त इस लकड़बग्घे को और भी ज्यादा खाने की सख्त आवश्यकता है। लेकिन एक अजगर के मुंह से उसके शिकार को छीनना भी कोई आसान बात नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस लकड़बग्घे को यहाँ पर कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। वो लकड़बग्घा अपने पूरे जोर से उस अजगर के मुंह से उसका खाना छीनने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों जरा देखिए कि यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो लकड़बग्घा अब अपने इस खतरनाक मंसूबे में कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो अजगर इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसके चंगुल से उस इम्पाला को चुरा पाना उस लकड़बग्घे के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। वैसे तो ये लकड़बग्घे अपने दुश्मनों से उनका खाना छीनने में माहिर होती हैं, लेकिन इस बार इस लकड़बग्घे को एक बहुत ही कड़ा टक्कर मिल रहा है। कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि वो अजगर भी अब उस लकड़बग्घे के ऊपर पलटवार करने की कोशिश करने लगता है। और दोस्तों जरा देखिए कि उस अजगर के द्वारा किए गए इस अचानक से हमले के चलते अब वो लकड़बग्घा कैसे चौंक जाता है। यहाँ पर ये अजगर अब अपने फुर्तीले स्वभाव के जरिए उस लकड़बग्घे के ऊपर एक के बाद एक कड़ा प्रहार करते ही जा रहा है।
कुछ देर के बाद उस अजगर की ये मेहनत रंग लाती है और वो अजगर अब आखिरकार उस लकड़बग्घे के ऊपर अपना दबाव बनाने में कामयाब हो ही जाता है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो अजगर अब अपने ताकतवर शरीर के जरिए उस लकड़बग्घे के ऊपर कड़ी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और दोस्तों वो लकड़बग्घा भी अब इस अजगर के चुंगुल में पूरी तरह से फंस चुका है। कुछ देर के बाद अब हम ये समझ सकते हैं कि उस अजगर के दबाव से उस लकड़बग्घे की अब मौत हो चुकी है और दोस्तों जरा देखिए कि कैसे अब वो अजगर उस लकड़बग्घे को पूरी तरह से निगल जाता है। यहाँ पर वो लकड़बग्घा उस अजगर का खाना छीनने के लिए आया था लेकिन वो खुद ही उस अजगर का खाना बन गया है। तो दोस्तों हमारे आज की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।